तो फाइनली दोस्तों द केरला स्टोरी इस साल की एक ऐसी अंडरडॉग मूवी जिसने आज शानदार तरीके से अपनी जीत में 30 दिन पूरे कर लिए हैं। यस, इस साल की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी एंड बिसाइड इट आल्सो मोस्ट लवेबल मूवी। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं मूवी और कितनी कमाई कर सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल एंड मसालेदार कॉन्टेंट के डाई हार्ड फैन है तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि फिल्म इतने लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में राज करेगी, और आज इसने साबित कर दिया कि जरूर नहीं बड़ा चेहरा हो, बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, ज्यादा बजट हो, बस कंटेंट में दम होना चाहिए और आपकी जीत आपके कदमों में। जी हाँ, आज शानदार तरीके से अपने 30 दिन कंप्लीट करके इस फिल्म ने जीत की जबरदस्त हुंकार भरी है और अभी भी मूवी जबरदस्त तरीके से रिदम में चल रही है, ना कि सिनेमाघरों में बल्कि बॉक्स हाउस पर कमाई के मामले में। और पठान के बाद सिनेमाघरों में इस साल की दूसरी फिल्म है जो लंबे टाइम तक टिकी हुई है। हेटर्स का ये तक कहना था कि अपने 2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ही ये फिल्म सिमट कर रह जाएगी। मूवी का जब से ट्रेलर आया था लोग लगातार बॉयकॉट पे बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन कंटेंट ने, स्टार कास्ट की मेहनत ने मूवी के सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट बना ही दिया, क्योंकि जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसकी रूह कांप जा रही है, क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज अमेजिंग एंड वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स हैं जो बड़े बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर करके दिखाए जाते हैं, लाइक कश्मीर फाइल जिसने भयंकर लेवल की ब्रुटैलिटी थी लेकिन उसके 5% भी ढंग से दिखाया नहीं गया। पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। या दोस्तों अदा शर्मा के मेन लीड होने बनने वाली द केरला स्टोरी, इसकी सपोर्टिंग कास्ट भी दमदार है। जी हाँ, सिद्धि इदरानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार आपको देखने को मिलेंगे। या दोस्तों सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है, जिसने अपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग के साथ पहले 3 दिन में ही लगभग 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था और अपने पहले ही हफ्ते में 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का आंकड़ा सेट कर दिया था। दोस्तों इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की फीमेल डोमिनेंट में बनने वाली फिल्मों में नंबर 1 पर अपनी जगह बना दी थी और वीरे दी वेडिंग, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों को खदेड़ दिया था और अभी तक की मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी है फीमेल सेंट्रिक में। और इसी के साथ अपने दूसरे हफ्ते में अपने पहले हफ्ते से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करते नजर आई थी। जी हाँ, लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने सेकंड वीक से बटोरा और अपने थर्ड वीक से लगभग 41 करोड़ 75 लाख का जबरदस्त कलेक्शन करके हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस फिल्म ने साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के मामले में अब ये किसी के बाप से नहीं रुकने वाली एट दैट टाइम। दोस्तों जहां इस फिल्म ने अपने 25वें दिन तक लगभग 228 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था, वहीं अपने 26वें दिन 1 करोड़ 42 लाख, 27वें दिन 1 करोड़ 77 लाख, 28वें दिन में 1 करोड़ 30 लाख और कल यानी 29वें दिन में लगभग 1 करोड़ 5 लाख और कल अपना चौथा हफ्ता 18 करोड़ 30 लाख के कलेक्शन से पूरा कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है एक छोटी सी फिल्म के लिए। बात करें आज यानी डे 30 में कैसी ग्रोथ है, तो यस, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट शानदार होने के साथ और एडवांस में एक मोटी अच्छी कमाई अपने खाते में रखने के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद 2 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी मूवी और सैटरडे का फुल फायदा उठाएगी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 234 करोड़ 77 लाख से ऊपर एंट्री मार लेगी मूवी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और इसी के साथ पठान के बाद इस साल की सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी होगी। लेकिन हैट्स ऑफ इस फिल्म के कॉन्टेंट को, जहां बड़े बड़े स्टार की फिल्म सिर्फ 15 दिन में ही सिनेमाघरों में टिकना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई करते हुए 30 दिन जबरदस्त कंप्लीट करके सिनेमाघरों में राज किया है। तो दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, द केरला स्टोरी ये फिल्म इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? साथ ही ये फिल्म कितना दिन सिनेमाघर में और टिक सकती है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।